Bismillahirrahmanirrahim alaikum students Hope you are all good and well Class kindergarten Topic sounds Video number 10 Lecture number 10 And book page number is 51 Today is Thursday Date is 24th of December 2020 And now we start our class work This is our science book Unit number 6 Physical science चैप्टर नेम साउंड्स, एस ओ यू एन डी साउंड आवाज़ टी एच आई एन जी एस थिंग्स चीज़ें ए आर ओ यू एन डी अराउंड इर्द गिर्द यू एस एस हमारे एम ए के मेक बनाती हैं या पैदा करती हैं डी आई डबल एफ़ ई आर ई एन टी डिफरेंट मुख्तलिफ एस ओ यू एन डी एस साउंड्स आवाज़ें थिंग्स अराउंड अस मेक डिफरेंट साउंड्स हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वो आवाज़ पैदा करती हैं या आवाज़ बनाती हैं डब्ल्यू एच ई एन When टी एच आई एन जी एस थिंग्स जब चीज़ें एम ओ वी ई मूव हरकत करती हैं वी ई आर वाई वेरी एफ ए एस टी फास्ट बहुत तेज़ी से बी एस सी के बैक पीछे की तरफ ए एन डी एंड और एफ ओ आर टी एच फोर्थ और आगे की तरफ आई टी इट आई एस इज़ सी ए डबल एल ई डी कार्ड तो ये कहलाती हैं वी आई बी आई ओ एन वाइब्रेशन वेन थिंगस मूव वेरी फास्ट बैक एंड फोर्थ इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन जब हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हरकत करती हैं बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ और पीछे की तरफ तो ये कहलाती है वाइब्रेशन और वाइब्रेशन कुर्दों में हम बोलते हैं थरथराहट अब वाइब्रेशन आपने अपनी लाइफ में भी देखी होगी फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल हैं तो अक्सर आपके पापा या मामा उसको वाइब्रेशन पे लगा देते होंगे तो जब किसी की कॉल आती है तो जो मोबाइल है वो वाइब्रेट करता है ठीक है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन और वाइब्रेशन के दौरान मोबाइल या तो बैक वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ या फिर एंड फोर्थ आगे की तरफ बहुत तेज़ी से मूव भी करता है एस ओ यू एन डी साउंड आई एस एस आवाज़ है एम ए डी इमेड बनती ओ एफ ओफ वी आई बी आर ए टी आई ओ एन एस वाइब्रेशन आवाज़ वाइब्रेशन से बनती है You, Y O U C A N can N O T not you cannot. not S W -E C देख सकते you cannot see आप देख नहीं सकते V I B R A T I O N S vibration आप थरथराहट को देख नहीं सकते but Y O U C A N can but you can F W -E L feel -E T H E M them but आप इसको महसूस कर सकते हैं टीचर दोबारा से रिपीट करती हैं थिंग्स अराउंड अस मेक डिफरेंट साउंड्स चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो मेक बनाती हैं डिफरेंट साउंड्स मुख्तलिफ आवाज़ें वैन थिंग्स मूव वेरी फास्ट बैक एंड फोर्थ इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन जब चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे और पीछे की तरफ हरकत करें तो इसको वाइब्रेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहलाती है साउंड इज़ मेड ऑफ़ वाइब्रेशन आवाज़ वाइब्रेशन से बनती है यू कैन नॉट सी वाइब्रेशन आप वाइब्रेशन या थरथराहट को देख नहीं सकते बट यू कैन फील दैम लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं अब आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करना भी है मोबाइल को आप वाइब्रेशन पे लगाएंगे और फिर जब उस पर कॉल आएगी तो आपने उसकी जो हरकत है वो देखनी है कि वो वेरी फास्ट बैक एंड फोर्थ आगे की तरफ हरकत करता है या नहीं ओके okay? और फिर आपने उसको टच करके भी देखना है आप उसको देख नहीं सकते उसकी थरथराहट को बट आप उसको फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं द फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल इज़ गर्ल्स सिंगिंग Second one is bell ringing, and the third one example is bee buzzing. The examples are girl singing, bell ringing, and bee buzzing are also examples of sounds. आप हनी भी जो है उसकी आवाज जो है उसको सुन नहीं सकते but आप उसकी जो वाइब्रेशन है उसको देख नहीं सकते बट आप उसको महसूस कर सकते हैं ठीक है बेल की जो रिंगिंग है वो हमें बहुत अच्छे से देती है साउंड है आवाज़ पैदा करती है इसी तरह गर्ल जो हैं वो गाना गा रही हैं सिंग कर रही हैं तो इनकी आवाज़ भी हमें साउंड जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई देंगी बी बजिंग जो हनी भी है इसकी साउंड भी हमें थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है बट इसकी वाइब्रेशन की तरह की साउंड होती है लाउड साउंड एस ओ एम समू एन डी एस साउंड्स सम साउंडस ए आर ई आर एल ओ यू डी लाउड कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा ऊँची होती हैं सम साउंड्स आर लाउड कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा ऊँची होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एच ओ आर एन हॉर सी आर ए सी के ए आर एस क्रैकर्स बी यू आर एस टी आई एन जी बर्स्टिंग क्रैकरस बर्स्टिंग सी ए आर कार एच ओ आर एन हॉर्न कार हॉर्न लाउड साउंड इज कार नॉइज़ ऊँची आवाज़ हमें खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है और ऊँची आवाज़ जो है वो शोर कहलाता है ठीक है अगर कहीं भी, भी कोई हम ऊँची लाउड वॉइस से बात कर रहे होंगे या लाउड वॉइस में म्यूजिक लगाया होगा तो वो हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता और लाउड साउंड जो है वो नॉइस यानी कि शोर कहलाती है नाउ टीचर विल टेल यू अबाउट योर होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़ यू विल रीड योर टॉपिक साउंड एंड लाउड साउंड एंड नाउ टीचर विल टेल यू योर होमवर्क ऑफ विंटर पैक टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फर्स्ट यू राइट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं इसी तरह एक प्लांट जो है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो आज हम प्लांट्स के पार्ट्स राइट करेंगे और आपके विंटर पैक का ये पेज नंबर है सेवनटीन फर्स्ट वन पार्ट इज़ बी जो टी बट सेकेंड वन इज स्टेम एस टी ई एम स्टेम थर्ड वन इज़ लीफ एल ई एफ लीफ But bud, bud stem, stem, leaf, leaf, flower, flower, fruit, fruit, roots, roots. Thank you so much, students. Take care. Allah Hafiz.